है ना, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जब आपको मिलेगा, है ना, इनफाइनाइट प्लेट होगी उस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी सब बढ़ जा रही है और पार्टिकल्स का यूनिफॉर्मली एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, क्या हुआ पूर्वा, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही। आवाज कम आ रही है बेटा? बच्चों माउस आवाज सही आ रही है ठीक भैया, है आवाज तो ठीक आ रही है। आप अपना या तो उसमें ईयरफोन लगा लो फोन में, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम कर लो। अब इससे ज्यादा अगर बेटा मैं अपनी साइड से करूंगा तो फिर फटने लगेगी आवाज, है ना, तो सब लोगों के कान दुखने लगेंगे फिर। अभी इतनी ठीक है। तो देखो बाकी सब बच्चों को ठीक आ रही है आवाज? राइट राइट, यस चलो ठीक। तो देखो पॉजिटिव इनफाइनाइटली चार्ज पॉजिटिव प्लेट हमने देखी थी जब हम गॉस लॉ से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इनफाइनाइट साइज की कोई प्लेट है जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट जनरेट करेगी, ठीक है। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है रेड कलर का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को रखता हूँ तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? यस सर, लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू इंटू ई। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, इस फोर्स पे अगर मैग्नीट्यूड लगेगा और जब हम किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं या टेस्ट करते हैं तो कैसा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जो ये ग्रीन कलर का आपको चार्ज दिखाई दे रहा है ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। मेरा स्क्रीन गया आई थिंक, है ना? हाँ रुक रुक, चलिए दिख गया दिख गया दिख गया, अभी करते हैं कुछ, इसमें इशू है यार, ये पिछले क्लास में भी इसने स्क्रीन शेयर को बंद कर दिया था। आई थिंक ये आईपैड का ऐप या फिर इसका ओएस अपडेट करना पड़ेगा। ओके हाँ देखो, तो जो हमारा सोर्स चार्ज था जो लेफ्ट मोस्ट साइड में है वो भी पॉजिटिव है, और जो चार्ज हमने टेस्ट रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो क्या ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा? हाँ रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये ग्रीन कलर के चार्ज को ये दूर पुश करने की कोशिश करेगा, यानी राइट साइड में भेजने की कोशिश करेगा। किस फोर्स से? एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स से। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मूव करना है क्लोजर टू द सोर्स चार्ज, अगर मुझे ग्रीन कलर के चार्ज को, ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसकी तरफ मूव करना है तो क्या मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? और वही एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है एफ एक्सटर्नल, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा ये कंडीशन आपको समझ आई। अब सपोज करो ये जो ग्रीन कलर का चार्ज था ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर था इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। टेस्ट चार्ज जो था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर था किससे? पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। अब वहां से इस चार्ज को मैं पकड़ के लेके आऊंगा, इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से पकड़ के किसी आर दूरी पर लेके आऊंगा। ठीक है, तो क्या मैं वर्क डन करूंगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उस पे, टेस्ट चार्ज पे, और मुझे अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के इन्फिनिटी से पॉइंट आर पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करने में मैं इस चार्ज पर वर्क डन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये मैंने वर्क डन किया यानी एक्सटर्नल एजेंसी ने जो इस चार्ज पर वर्क डन किया वही स्टोर हो जाता है इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सुनो इसका एक एनालॉगस सुनो जिनको समझ नहीं आया। भाई स्प्रिंग का केस हम डिस्कस कर रहे थे तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने में हम वर्क डन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और वो बाहर से किया गया वर्क डन क्या हो गया? बाहर से किया गया वर्क डन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था। यस, जब मैं आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा रहा था तो मैंने एक तो स्प्रिंग फोर्स का एग्जाम्पल दिया था और एक दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना, और तीसरा मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब देखो वही टाइम आ गया कि इन दोनों सबको रिलेट किया जाए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पड़ा है उसको किसी हाइट पर एच पर लेके जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क डन कर रहा हूँ उसको हाइट एच पे ले जाने में, और जो मैंने वर्क डन किया वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये चार्ज अगर इन्फिनिटी पे रखा था टेस्ट चार्ज, वहां से पकड़कर मैं इसे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर दूरी पर लेके आता हूँ सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे मैं लेके आ गया, तो मैंने क्या किया? एक्सटर्नल वर्क डन किया, और वही एक्सटर्नल वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ठीक है बेटा,
तो अब देखो अगर मैं इसको r दूरी पे लाके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, फिर से इस पे फोर्स लगेगा और फिर से ये चार्ज इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स हटाते ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे जाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ये टेस्ट चार्ज ग्रीन कलर का चार्ज भी इन्फिनिटी की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब जिस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई उसी को क्या कहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसका नेगेटिव साइन लगा के लिख दो तो बोलेंगे कि सर इतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है ना। वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज जनरली नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, पॉजिटिव यानी कि बढ़ जाएगी। इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी क्योंकि मैं बाहर से जो मैंने वर्क डन किया उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो वर्क डन ऑन सिस्टम हम नेगेटिव लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब देखो दूसरी चीज बोलता हूँ पोटेंशियल। तो जब हम इन्फिनिटी पे इस चार्ज को लेके गए बेटा तो हमने बोला कि जो ये पोटेंशियल है V है ना पोटेंशियल, तो हम एक बाय कन्वेंशन हम एक चीज याद रख लेते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो हम उसको जैसे ग्राउंड पे हाइट को क्या मान लेते हैं, ग्राउंड पे हाइट को जीरो मान लेते हैं, डेटम पे हाइट को जीरो मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब सर आपने बता दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बट ये तो बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा देखो पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। जनरली हम ये यूनिट चार्ज लेते हैं, हम ये यूनिट चार्ज लेते हैं, तो V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। इतनी बात आपको समझ आई पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि वर्क डन करना पड़ा ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में, उसकी वजह से जो एनर्जी आई दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक। अब देखो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क बराबर होते हैं, तो वर्क डन क्या था बेटा, F डॉट dr है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स क्या है, जूल्स हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, 1/4πε0Q1Q2/r। तो यही हमारे वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज के यूनिट्स थे, यही हमारे पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो 1/4πε0Q1Q2/r ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट्स है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, याद कर लेना इसको। अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट, जितने जितने पेयर्स बनेंगे, दो दो चार्ज उठाओ पेयर बनाओ सबको ऐड कर दो, तो दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्जेस, ठीक। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा दैट इज कॉल्ड एज वी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो इन्फिनिटी पे पहले था तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ गई, आर पे बाद में आया तो आर आपने लिख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और वही वर्क डन हो गया, ठीक है। वर्क डन इन्फिनिटी टू आर, इसी को आपने पोटेंशियल बोल दिया। तो यहाँ पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो आपने वन ले लिया, यूनिट चार्ज। तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बोलेंगे, इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो आप, और वर्क डन को रिप्लेस करके फोर्स एग्जर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी इनटू dr, तो ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, इसको लिख लो बाय सम एक्सटर्नल एलिमेंट f डॉट dr, और यही किसके बराबर होगा, माइनस e डॉट dr के, ठीक है। ये सारी चीजें लिखो, हाँ जी सर, कैसे होगा? अभी बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिराइव कराऊंगा मैं इसके पोटेंशियल, और इसके जब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा ना उसमें इसका मतलब पता चलेगा। अभी लिख लो इसको E dot dr, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बार आपको यही आएगा, एग्जैक्ट चीज आएगी कि E dot dr और पोटेंशियल कैसे रिलेट होते हैं। जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे तब समझ आएगा बेटा, तब तक के लिए लिख लो, फिर से पूछ ला, ठीक है, फिर से पूछ लेना उस टाइम पे E dot dr।
ये फॉर्मूला लिख लिया तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। तो आप अगर कोई सा भी पाथ, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी चार्ज को लेके जाना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी दे रखा है, तो यू हैव टू मूव ए चार्ज बिटवीन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कोई सा भी रास्ता चूज करो, 1 2 3 4, कोई सा भी रास्ता चूज करो, वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। तो ये एक चीज़ है, और इसके बाद हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सोर्स चार्ज क्यू इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ पे Q जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज है, क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया आपने, 1 ले लिया, यूनिटी ले लिया, ठीक है। 1 ले लिया तो ऊपर Q1 Q2 था, तो Q2 की जगह 1 आ गया, और Q1 की जगह Q आ गया, और नीचे क्या था, R था ही, है ना, तो वो R एज इट इज आ गया। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या आया बेटा, KQ/R एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज। अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या आएगा, KQ/R। ये फॉर्मूला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दे रखे हो, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस आपको दे रखे हैं। दे दीज चार्जेस आर लोकेटेड एट डिस्टेंस R1 R2 R3 R फ्रॉम पॉइंट पी, और आपको पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज चार्जेस। तो क्या करोगे बेटा, आप इंडिविजुअल चार्जेस से निकाल लो। जैसे मान लो Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, KQ1/R1, Q2 की वजह से आएगा KQ2/R2, Q3 की वजह से KQ3/R3, और Q4 की वजह से KQ4/R4। इन सबको आप ऐड कर लो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप एल्जेब्रिक एडिशन सीधा कर दो, तो आपको नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI/RI। तो QI/RI समेशन क्या होता है, वही होता है जो अभी बोला कि KQ1/R1 KQ2/R2 KQ3/R3 KQ4/R4, तो यही होता है क्या, समेशन, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आए पॉइंट चार्ज की बजाय, अगर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ DQ/R। तो आप एलिमेंटल चार्जेस लोगे एट डिस्टेंस R होंगे, जो एलिमेंट जिस डिस्टेंस पे है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है ये वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है या फिर कोई मेटेलिक बॉल है जिस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो उसके आउटसाइड एनी पॉइंट, अगर कोई उसके बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक वैसा ही है जैसा हमारा किसके लिए आया था बेटा, किसके लिए आया था, पॉइंट चार्ज के लिए, जो पॉइंट चार्ज के लिए आया था। स्फेरिकल कंडक्टर के आउटसाइड जो पोटेंशियल आएगा वो ठीक वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज के लिए आया था। तो आप जब भी स्फीयर के बाहर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप फॉर्मूला यही यूज करोगे जो कि पॉइंट चार्ज वाला था, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, अगर किसी भी पॉइंट ऑन द स्फीयर की बात करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब कैपिटल आर इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट है ये, तो पोटेंशियल है ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। और एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, तो सेम रहेगा। देखो अगर प्लॉट भी देखोगे तो 0 रेडियस से लेके R तक वैल्यू फिक्स्ड है, उसके बाद डिक्रीज कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो यहाँ से कंक्लूजन भी निकलता है, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल क्या आया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जीरो आया था, लेकिन पोटेंशियल जीरो है क्या, पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, राइट। ये फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद एक दो फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे है रिंग के लिए। तो एट एनी पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है इक्विटोरियल पॉइंट पी, तो उस पर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक है। एट एनी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग 1/4πε0Q/r। तो ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूज होंगे। इसके बाद डायपोल दे रखा है, डायपोल हमने पढ़ लिया बेटा। और लास्ट चीज है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो एक बार इन सारी डेफिनेशंस को मन मन में पढ़ो फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ। पढ़ लो एक बार, हैव ए रीडिंग ऑफ ऑल दीज। पढ़ लिया, देखो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सर्फेसिस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू, जो वी की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, ठीक है। अब इनकी शेप जो होगी पोटेंशियल सर्फेसिस की, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की, वो डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज पे, ठीक है। सबसे पहला सोर्स चार्ज जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इनफाइनाइट मेटेलिक प्लेट। तो इसके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आप निकालोगे तो क्या आएंगे बेटा? पैरेलल प्लेन्स आएंगे, पैरेलल प्लेन्स। और अगर पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकालोगे तो क्या आएगा? अभी पढ़ा आपने क्या आता है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, है ना, क्योंकि चार्ज थ्री डी ज्योमेट्री है ना बेटा। अगर किसी मास पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थ्री डायमेंशनल है। अब उससे इक्वल डिस्टेंस पे जा जाके अगर आप सर्फेसिस बनाओगे तो क्या आएगा? दे विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अगर किसी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सिलेंड्रिकल वायर पे या रोड पे, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या आएंगे? कंसेंट्रिक का मतलब है उनका एक्सिस सेम रहेगा और सिलेंडर्स होंगे, आर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक दो तीन कितने भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, वैसे आपकी इच्छा है आप कितने ड्रॉ करना चाहते हो। क्या आपको दिखाऊं मैं इसके फोटो? यस यस सर। समझ नहीं आ रहा किस बच्चे को? अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं फोटोज दिखा देता हूँ। एक बार हैंड रेज करना, समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, चलो फोटोज दिखा देते हैं। हाथ नीचे कर लो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको कराई थी बेटा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो आपको जो चार्ज है, सोर्स चार्ज जो दिख रहा है इधर, ये क्या है? एक प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब देखो फील्ड तो इसमें रेडियली इनवर्ट टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो आपको जो पैरेलल प्लेट्स दिख रही हैं ब्लू कलर के, जो प्लेन्स दिख रहे हैं, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर किसी एक गिवन सरफेस पे आप कैलकुलेट करोगे ना, एट एनी पॉइंट ऑन ए गिवन सरफेस, तो फिक्स वैल्यू आएगी पोटेंशियल की। वैल्यू क्या आएगी? फिक्स आएगी। तो फॉर अ प्लेट, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट अगर है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या है बेटा? आपको दिख रहे हैं क्या है? प्लेन्स हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स। ओके, अब इसमें कोई अच्छा फोटो होगा तो वो दिखाएंगे आपको। चलो यहाँ देख लो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वैसे इनको स्फीयर्स मानो। देखो जो बीच में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसके आसपास जितने भी ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये आपके बहुत सारे स्फीयर्स हैं जिनका कॉमन सेंटर है। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे और इसके पॉजिटिव के लिए भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, है ना। तो क्या होगा? कॉमन सेंटर वाले स्फीयर्स। अब ये 2D प्रोजेक्शन है इसका, देखते हैं। अभी 3D मिलेगा तो 3D दिखा देता हूँ। 3D का बायजूस वाले में तो था, जब हमने बायजूस में उधर करते थे
वहाँ पे तो हमने एक एनिमेशन बना लिया था, उसमें 3D आपको दिख रहा था अच्छे से। एक सेकेंड, इस इधर है क्या? नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो ये रहा, बीच में एक चार्ज रखा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज दिखा। यस अब आपको तीन अलग अलग स्फीयर्स दिख रहे हैं, एक अंदर वाला जो कटा हुआ है आपको सेक्शन काट के दिखा रखा है इसमें। यहाँ पे सबसे अंदर वाला एक स्फीयर है, उसके बाहर एक और, उसके बाहर एक और। तो ऐसे ऐसे आप एक कॉमन सेंटर लेके ऐसे स्फीयर्स देखोगे, तो दीज स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, एक अंदर बाहर दूसरा, ठीक है। तो अगर किसी भी बाहर वाले स्फीयर को देखो, सबसे बाहर वाले को, अगर इस पे कोई भी एक पॉइंट लोगे ना, तो हर एक पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे होते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। अब आते हैं वापस, तो यहाँ तक आपको पता चल गया फॉर्मूला जो बताया, ये याद रख लोगे, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज वाला, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ आर डिस्टेंस फ्रॉम अ क्यू चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, आर दूरी पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो वो आपको इस के क्यू बाई आर फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। अब सब बच्चे रेडी हो जाओ किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती नहीं है इस टॉपिक से, बहुत कम आती हैं, जो आती हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ, जो फॉर्मूला थे एक बार उनको देख लो, तब तक मैं वो फाइल लोड करके स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, पोटेंशियल को जब डिफाइन करते हैं बेटा, तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से डिफाइन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं? डिफरेंस, क्योंकि हमने पोटेंशियल रेफरेंस को क्या लिया, हमने रेफरेंस लिया पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल, है ना। तो जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हम हमेशा क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज का जो पोटेंशियल से उससे कितना ऊपर है ना, तो दैट इज वी आर डिफाइनिंग द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो चलो अब शुरू करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ले लो। जैसे ही आपका आंसर आएगा हैंड रेज करना, और पोल्स में आंसर करेंगे, राइट। आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर द क्वेश्चन, आप लोग पोल में आंसर करना। सब बच्चे आंसर करो भाई, 35 वोट्स मिलना चाहिए। सब बच्चे करो आंसर। क्वेश्चन वन को आंसर करना है, सब बच्चे करो। जब तक सब बच्चे नहीं करेंगे हम आगे मूव नहीं करेंगे। आप चाहे गलत आंसर कर दो, गलत करने का भी फायदा ये है कि आपको सही आंसर फिर याद रह जाएगा, है ना, नहीं तो भूल जाओगे क्वेश्चन को ही। गलत करोगे फिर सुनोगे कि हाँ मैंने किया वो,
क्या आंसर सही है, तो आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। सभी बच्चे जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो सब अब देख लो भाई, पढ़ना है तो आंसर करो। अभी तक मुझे 21 वोट्स मिले हैं, मुझे 35 वोट्स चाहिए। रोज का मत है यार, तुम अच्छे बच्चे कब बनोगे? रोज के रोज यही रोना तो अच्छा थोड़ी लगता है, बार बार वही चीज़ बोलना। डीट हो गए हो क्या, या फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? हाँ ट्वेंटी फोर वोट्स मिले हैं अभी भी, और स्टूडेंट है 33, स्टूडेंट आर 33 और वोट्स मिले हैं 24। तो अभी देखो सब लोग आंसर करो। करो करो 25 वोट्स। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने गलत, क्या नहीं हो रहा? आवाज नहीं आ रही? यस आवाज आ तो रही है, तो सर, अब आ रही है सर। मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब सब बच्चे वोट कर देंगे तब मैं आंसर करूँगा। बताओ करना है तो बताओ। अब जितने बच्चे ढीठ जो है यार, क्या चक्कर है तुम्हारा? 28 वोट्स मिले हैं अभी, सब लोग देख लो, अपने आप डिसाइड कर लो। सारे 10 क्वेश्चन है सब में, ऐसे मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मुझे फटाफट से आंसर के वोट्स मिलने चाहिए। हाँ भाई इतने क्वेश्चन है, ये हो गया तो मेरे को आंसर करना है। करो करो सब लोग करो, 30 वोट्स मिले हैं। और ये पैटर्न अब हर हर क्वेश्चन में फॉलो होना चाहिए, सब बच्चे वोट करेंगे, नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है चलो, व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा? ऑप्शन ऑप्शनल। ए, ऑप्शन हाँ हो गया ना गड़बड़, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन डी सही है इसका बेटा। पता है क्यों? देखो ऑब्जेक्ट पे क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी, हमें नहीं पता क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, है डी। ना? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉजिटिव है तो हम एब्सोल्युटली नहीं डिफाइन करते, हम पोटेंशियल को रेफरेंस पॉइंट के कंपैरेटिवली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि वहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नहीं। क्या पता दूसरा चार्ज रखा हो दूसरी जगह पे तो उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल वहां हो सकता था। तो वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल इन एब्सोल्यूट टर्म्स, हम हमेशा रिलेटिव टर्म्स में विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। हाँ तमनप्रीत, सही है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया बताओ? सर। आपने इतना कुछ पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, इसमें समझ ही नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस, उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप अर्थ पे ले रहे थे, ग्रेविटी के हेल्प से समझो बेटा। जैसे ग्रेविटी है, ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जीरो और किसी पॉइंट जो हाइट एच पे है उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रो जी एच होती है। लेकिन एमजीएच, ये रो जी एच जो है ना, ये रो सॉरी एम जी एच, रो जी एच नहीं, हाँ एमजीएच, एम जी एच।
रो वी जी एच होती है, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच हो गई। अब ये एम जी एच क्या है बेटा, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिफरेंस, है ना। तो ये आपको जो जब भी आप एम जी एच ही डिफाइन किया, दैट इज ग्राउंड से कितना ज्यादा, यानी जीरो रेफरेंस से कितना ज्यादा, तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल सकते। आप बोलो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नहीं बोल सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखा है, तब आप डिफाइन कर पाओगे। तो ये वो ठीक वैसा ही क्वेश्चन था, आपने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल कितना होगा, नहीं बता सकते। इन्फिनिटी से कितना दूर रखा है ये बताओ या तो, या फिर ये बताओ कि चार्ज से कितनी दूरी पे ये पॉइंट है ये बताओ, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर या कितना नीचे या कितना दूर कैसे रखा हुआ है ये पॉइंट, तब आप बता पाओगे। तो वी डिफाइन द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट लाइक वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस, है ना। तो ये यस ऐसे सर, याद रखो इसको, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाम की चीज होती नहीं है कुछ भी, हमेशा जो चीज होगी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू करो। अब फटाफट से सब बच्चे पोल कर आंसर कर देना यार, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर टू का पोल लाइव है, अभी फटाफट इसको आंसर करो। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन का। तो आपको चार्जेस का लोकेशन दिखाई देगा, फिर पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करके यू हैव टू फाइंड इट आउट। ग्यारह वोट्स मिले हैं, सब 32 वोट्स नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी वोट करो ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है बेटा। अगर मेरी बात नहीं मान रहे तुम्हारे सहपाठी तो आप लोग रिक्वेस्ट करो इनको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ठीक है, क्या पता आपकी बात मान ले। करो बेटा सब लोग वोट करो। देखो इतने सारे लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वोट करो वोट करो, फिर भी नहीं कर रहे। अब इसके बाद पता है क्या क्या आंसर बनता है बेटा, बोलूँ? नहीं करना तो भाड़ में जाओ, है ना। अब वोट ही नहीं करना, जिसको नहीं पढ़ना उसको जबरदस्ती क्या ही पढ़ाएगा कोई, है ना। तो हम जब आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे, मेरी नहीं मान रहे, तो इसको नहीं करना वोट, वो ना करें, ठीक
इसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ना पढ़े, कंपटीशन को कम करे, कम से कम बच्चे पढ़े और मैं अकेला पढ़ूं ताकि मैं ही सेलेक्ट हूँ, पेपर में कट ऑफ कम जाए, है ना। बढ़िया है, मत करो, हम पोली क्लोज कर देते हैं भाई, सच्चे मत करो। वैसे देखा जाए तो ना पढ़ने से ज्यादा फायदा है ना, आप पढ़ो और सब ना पढ़े तो बढ़िया है, कट ऑफ नीचे रहेगी, तो मत पढ़ो, मत करो वोट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन जीरो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? दो चार्जेस ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक सिचुएटेड है पॉइंट 0, 0, A पर, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है वो 0, -A पर है, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -A। यहाँ पर आपका बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब पूछ रहा है कि आप जो है ओरिजिन के ऊपर वो बता दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय वी एट ओरिजिन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो पहला तो पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर रखा है उसकी वजह से क्या आएगा? के इंटू प्लस क्यू बाय आर की वैल्यू यहाँ ए है, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? ए क्यों लिया बेटा? दूरी लेनी होती है, दूरी कितनी है? यहाँ पे भी ए है और ऊपर प्लस चार्ज की दूरी भी ए है, तो इसलिए आर की जगह हमने ए रख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो क्या आ रही है? के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए, तो ये जीरो आ रहा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस एट द ओरिजिन इज जीरो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अब बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब जिसको नहीं करना बाढ़ में जाए। अभी 2 मिनट बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ सफिशिएंट बच्चों ने आंसर कर दिया, मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, है ना, क्या पता उनका जीवन जो है परमात्मा ने इसीलिए दिया हो कि जाना और तुम क्लास में खाली मुंह फुला के बैठे रहना, जब तुम्हें गलत आंसर करने की अनुमति हो तब भी तुम आंसर मत करना, है ना। तो कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जो सोच चुके हैं क्या ही होती है पढ़ाई, क्या ही होता है सिलेक्शन, क्यों ही पढ़ें। चलो सब बच्चे करो वोट। सब गलत है भैया, मैक्सिमम स्टूडेंट। तो मैंने गलती से गलत कर हाँ, आप गलत, दिया। यस आपकी रोज गलती से गलतियां होती रहती हैं, है ना। आप है ना पेपर में गलत करके आना अर्षदा। सर, स्क्वायर के सेंटर का लेना था तो मैंने साइड का ही कर दिया। तो कोई बात नहीं, डायगोनल भी लेना था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। अब सफिशियंट टाइम मिल गया। अब देखो, उन बच्चों के लिए कुछ सोचा है मैंने जो आंसर नहीं करते। उन लोगों ने क्या सोच रखा है जीवन में पता है? गीता सार में लिखा होता है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। इन्होंने सोच लिया है, काहे चिंता करना है भैया, है ना। द
एटर्नल, दे आर एंजॉइंग द एटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, है ना, आत्मा का अनंत विस्तार जो है उसका मजा ले रहे हैं। काहे तुम इनको न्यूमेरिकल में गिरा रहे हो, साधु लोग हैं भाई, इनको नहीं करना कुछ भी, ये ठहर गए हैं एक जगह पर, ठीक है, तो अब नहीं करना तो नहीं करना, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। द चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके चार कॉर्नर होते हैं, उसके हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है क्यू, पॉजिटिव क्यू, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल सर, ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन हाँ, आप देखो अभी भी गलत बता रहे हो, आपने क्या टिक किया, काम करने का तेरा बी सही आंसर है बेटा, बी। देखो एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके चारों कॉर्नर पे चार चार्जेस रखे हैं, राइट, दीज आर द फोर चार्जेस। अब देखो सेंटर है बेटा, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या करना है, सेंटर की दूरी निकालनी है सभी चार्जेस से। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ये रहा, ये मेरा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल की ब्लू कलर वाली साइड का लेंथ निकालना है, अच्छा ब्लू तो दो है, ब्लू वाली का नहीं, रेड कर देते हैं, रेड कलर वाली साइड का लेंथ निकालना है। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका साइड ए है बेटा, तो नीचे वाली डायमेंशन जो ये है ट्राइंगल की, ए बाय टू होगी, और ग्रीन कलर वाली डायमेंशन भी ए बाय टू होगी, और रेड कलर वाली को मैं हाइपोटेन्यूज बोल दूं, तो क्या मैं पाइथागोरस लगा के एच की वैल्यू निकाल पाऊंगा? एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाय टू स्क्वायर प्लस ए बाय टू स्क्वायर, इनको करोगे तो क्या आएगा आंसर, सॉल्व करो तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए बाय ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, क्या आएगा फिर, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, यानी कि टू टू ए स्क्वायर बाय फोर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बाय टू, और ए स्क्वायर बाय टू को बाहर ले जाओ तो ए स्क्वायर था तो ए बच गया, अंडर रूट टू नीचे रह गया, तो एच की वैल्यू क्या आई, ए बाय रूट टू, यानी कि पॉइंट चार्ज की दूरी, ये जो क्यू चार्जेस थे, हर एक चार्ज की दूरी सेंटर ऑफ द स्क्वायर से कितनी है, ए बाय रूट टू। अब मुझे फॉर्मूला पता है, अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू एनी ऑफ द चार्जेस, इसमें से कोई भी एक चार्ज लूं और उसकी वजह से पोटेंशियल एट द सेंटर निकालना चाहूं, तो क्या मैं फॉर्मूला के क्यू बाय आर लगा सकता हूँ, चार्ज क्यू ही रहेगा और आर की जगह क्या आएगा, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू। अब रूट टू न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, रूट टू के क्यू बाय ए, तो ये आ गया आपका एक चार्ज की वजह से, बट कितने चार्जेस हैं, तो इस जो टोटल पोटेंशियल है वी नेट, वी नेट क्या आएगा, वी नेट विल बी 4 into root 2 k cube by a, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी हम, मैं आपको बताऊं, हमारी क्लास में साधुओं को गिने तो कितने साधु हैं भाई, बता देते हैं, रुको, 32 स्टूडेंट्स हैं, 24 लोगों ने वोट किया, कितने बच गए साधु, 8 बच गए, ये जो महान आत्माएं हैं, ठीक है, इनके लिए एक बार चीयर्स कर दो, एक बार इनके लिए सेलिब्रेट कर लेते हैं, चलो सब बच्चे सेलिब्रेट करो, इन सब के लिए सेलिब्रेशन किया जाए, वाह मजा आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा, ये समझ आया तो, किसी को डाउट है? Yes, नहीं है, चलो अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जिसको कंसेप्ट समझ आया सीधा आंसर करना, पिछले क्वेश्चन का पोल एंड कर रहा हूं मैं, और अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्च्ड करो आंसर। आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं सबसे पहले आंसर करूंगा, ये एनर्जी होनी चाहिए, है ना, देखो पहला आंसर और सही आंसर जिसने भी किया है, बेहतरीन, चलो सब बच्चे करो फटाफट भाई, हम्म,
सोच के करना है, सोच के, जल्दबाजी में ऐसे तो सबको ए टिक कर दो। देखो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, केवल जल्दी करना हो सवाल तो बिना सोल्व करे ए पे टिक मार दो सब पे, है ना। सोचो और फिर करो, दिमाग भी दौड़ाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर करना है। करो सब लोग। मुझे धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व मत करने दो। खोया खोया चांद, खोया आसमां, खोए खोए स्टूडेंट्स। आज मेरे यहाँ बारिश हुई है, ठीक है, तो वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझसे पंगा मत लो तुम आज। तुम्हारी क्लास ख़त्म करते ही मैं साइकिलिंग करने जाऊंगा, एकदम बढ़िया वाली साइकिल है, मैंने दिखाई आपको अपनी साइकिल। नो चलो सर, नो सर, क्वेश्चन नो करो फटाफट, फिर दिखाऊंगा, मेरे पास साइकिल है, वो साइकिल दिखाऊंगा तुम्हें। सर, किस दिन बाइक भी दिखाऊंगा, बट अभी बाइक तो नीचे खड़ी है, साइकिल मेरे पास यहीं पे है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नो सर, नो क्योंकि देखो सर, बेटा, नो तीन सर, तीन पॉइंट चार्जेस हैं, तो किस कुछ भी हो, सारों का नेचर सेम है, तो ऐड ही होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए और बी का तो जो आंसर कर रहे हैं ना, वो लोग तो भाई क्या बोलें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो। अभी तो तुमने किया यार, चार चार्जेस की वजह से नॉन जीरो आ रहा था, तो तीन की वजह से क्या जीरो आ जाएगा? इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, तीन बार फॉर्मूला लगाओगे तो नॉन जीरो आएगा ना। तो ऑप्शन ए और सी तो, यस ए और बी तो गया, ए और बी जिन्होंने आंसर किया है वो तो समझ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ भी, है ना। सी और डी में डिसाइड करना है अब। सी और डी में क्या है, पोटेंशियल तो नॉन ऑप्शन जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, मुझे ये बताओ, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है? वेक्टर है। अब देखो इस वेक्टर सेंटर पॉइंट पे आते बेटा, आप ये डिसाइड करना, एक चार्ज ये रहा ब्लू कलर का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉइंट ओ पे, तो दो ऊपर वाला पॉजिटिव था तो ये इसको रिपेल करेगा नीचे की साइड, ये जो चार्ज क्यू था इसकी वजह से इधर आएगा, ठीक है, और ये नीचे क्यू चार्ज है इसकी वजह से इधर आएगा। अब देखो क्या ये तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि ये जो दूरी है हमारी, मान लो इसको ए बोल दिया, तो ये सेम रहेगी ड्यू टू सिमिट्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, वर्टेक्स सेंटर पॉइंट से और वर्टेक्स की दूरी सेम रहेगी, तो दूरी सेम है तो मैग्नीट्यूड तीनों ही वैक्टर का सेम आएगा, और ये तीनों वैक्टर 120 120 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे को सिमिट्री की वजह से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिर इसमें। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो डाउट पूछेगा इसमें, जिस जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया वो डाउट पूछो। समझ आया कि नहीं आया बताओ। हाँ भी ऐसा आगे। देखो बेटा अगर डाउट नहीं पूछोगे ना तो नुकसान किसका है, हमारा मुझे ये बताओ। नीट का पेपर मुझे देना है क्या? अब नहीं देना, किसको देना है? सर, आपको देना है। तो अगर आपके डाउट आपके पास रह गए तो धुआं धुआं दिखेगा पेपर में, तो उस धुआं को अभी खत्म कर लो, डाउट है तो पूछ लो। बोलो तमनप्रीत। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपने बोला एंगल कैंसिल आउट करेंगे सर, वो कैसे करेंगे? अरे एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, समनप्रीत 60 डिग्री, समनप्रीत कितना होता है? समनप्रीत
60 होता है, ठीक है, तो ये सारे 60 हो गए। अब मुझे बताओ अंदर वाले एंगल का पता है कि 120 डिग्री होगा वो? हाँ जी। यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 120 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा? देखो इसका हाफ एंगल 30, इसका 30, 30 30 60 हो गया, और इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल ये 120 बच गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यस तीन तीन एंगल तीन फोर्सेस हैं, एक तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दूसरा ऐसे लग रहा है और तीसरा ऐसे लग रहा है, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर, और तीनों के बीच में एंगल 120 120 120, तो ये क्या कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? ये बताओ भाई। ऐसा समझो कि तीन बच्चे हैं जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 का लगा रहा है, ये भी 10 का लगा रहा है, क्या ये मूव कर पाएगा सेंटर पॉइंट? नहीं। तो ठीक उसी तरीके से तीनों वेक्टर क्वांटिटी थी 120 120 पे लग रही थी, अगर फिर भी तसल्ली ना हो रही हो तो हॉरिजॉन्टल और क्या बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल कर ली, ये वर्टिकल कर ली। अब इन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लो एंगल निकाल निकाल के, ठीक है। मान लो जैसे ये 10 न्यूटन है, इसका ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये 60 होगा, सॉरी 60 नहीं 30 होगा बेटा, 120 माइनस 90, तो ये 30 डिग्री का होगा। ये 30 डिग्री इसका कोस कंपोनेंट आएगा, कोस सारे कंपोनेंट निकालो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका मतलब नेट फोर्स एट द पॉइंट विल जीरो। उस ठीक उसी प्रकार से जैसे फोर्स होता है वैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट निकालोगे तो वो भी जीरो हो जाएंगे, तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तुम में से बहुत कम बच्चे कर पाएंगे पर करो। इसके लिए एक हिंट दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स, ठीक है, जूल्स। वर्क डन और एनर्जी के यूनिट बराबर होते हैं? यस सर, ठीक है, यस सर। और अगर कोई चार्ज, एक चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस के किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा है ना, कोई पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां पे चार्ज रखा है, तो उस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। और Q into V क्या होता है? चार्ज into V होता है आपका वर्क डन, ठीक है। अभी फॉर्मूला जो लंबा वाला लिखवाया था उसमें था, देखो, ठीक है, तो E dot dr और Q F into dr ये था, तो चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यूनिट होंगे ना जो एनर्जी के, वो आपके Q into V वाले यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब इतना हिंट लेके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक बच्चे ने किया और सही किया है, आंसर सही है।
सब बच्चे वोट करो भाई। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेटेड है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है। और किसी चार्ज के पास मास होता है? यस सर। ना चार्ज अगर कहीं भी चार्ज है तो किसी न किसी मास के ऊपर ही चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर मास होता है, ठीक है, मुझे ये पता है। उसके अलावा एक चीज ये बताओ कि अगर कोई मास उस पर फोर्स लगेगा तो क्या वो एक्सेलरेट करेगा? करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है कि फोर्स की वैल्यू जो होती है, फोर्स की वैल्यू नहीं, जो क्या बोलते हैं, एनर्जी जो वर्क डन ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करता है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है? वर्क डन ई इंटू वी के बराबर। और ये जो वर्क डन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज में। तो अब देखो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो कैन आई फाइंड आउट वी, तो वी विल बी इक्वल टू 2EV डिवाइडेड बाय एम और इसका अंडर रूट। तो कौन सा सही हो गया फिर ऑप्शन? ऑप्शन बी सर। हाँ जी सर, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा समझ, बताओ सर। वो आपने ईवी क्यों लिया? ईवी क्यों लिया? भाई देखो आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं बेटा, इतना बेसिक पढ़ाएंगे सिलेबस ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा करो। रुको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटा? सोर्स चार्ज। अब एक एक चीज ध्यान रखा करो, यहाँ पे बहुत हिसाब से लगा के लाता हूँ मैं चीजें, आप टेंशन ले, पढ़ते नहीं हो फिर, अब ध्यान से सुनना जरूरी है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज रखा है सोर्स चार्ज, इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल क्या होता है? ये मान लो वी एट पॉइंट नंबर वन क्या था बेटा? के क्यू बाय आर वन, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से आर वन मान लो, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट, ये चार्ज आपका मूव करके आर टू दूरी पे चला गया, ठीक है, यानी कि इसका डिस्टेंस बढ़कर क्या हो गया? R2. ठीक है। अब इस पे पोटेंशियल क्या होगा? V at point 2 क्या होगा पोटेंशियल? K Q by R2. अब मुझे बताओ V1 बढ़ाए कि V2 बढ़ाए? V1. अब दिमाग आपका, आप दिमाग ही नहीं लगा रहे। अब आप R1 बढ़ाए कि R2 बढ़ाए ये बताओ। V1 बढ़ाए कि V2 बढ़ाए? V1 बड़ा है ना भाई, न्यूमरेटर R1 छोटा है V1 के केस में, तो V1 बड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो टेस्ट चार्ज था ये मूव करेगा ड्यू टू सम फोर्स? यस सर। इस पे कुछ फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेगा? यस सर। यस सर। और फोर्स क्या, जैसे जैसे दूर जाएगा तो फोर्स बराबर रहेगा, यूनिफॉर्म है ना, तो फोर्स तो सेम रहेगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या ये एक्सेलरेट नहीं करेगा ये बताओ? करेगा। अरे सेकंड लॉ क्या बोलता है? F is equal to mass into acceleration. Yes, sir. तो ये एक्सेलरेट करेगा, यानी कि फोर्स लग रहा है किसी मास पे तो वो एक्सेलरेट करेगा। अब बताओ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, भाई V1 से V2 में कुछ डिफरेंस होगा पोटेंशियल। अब ये चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव किया है तो जो फोर्स लगा उसने क्या कर दिया? इसको एक्सेलरेट करा दिया, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी के यूनिट्स जो होंगे, जो आप एनर्जी वर्क डन क्या होगा इसका? व्हेन इट इज मूविंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज इनटू डेल्टा वी, और वही वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो बोला मैंने, चार्ज इनटू वी क्या होता है? वर्क डन, और ये 1/2 mv² के बराबर हो गया। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? आ गया ना बेटा, लेकिन हर चीज को इतना बेसिक नहीं पढ़ा सकते, आपको ये आना चाहिए। अभी ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, आपको खुद से कोरिलेट दिमाग में करनी पड़ेगी कुछ कुछ चीजें, है ना? ठीक है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो याद नहीं आता।
कोई बात नहीं, आप करोगे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो चीजें स्वाभाविक लगने लगेगी। ए बी सी डी का कोई लॉजिक नहीं है कि ए पहले आएगा बी पहले आएगा, बट आपको आती है ना वो, तो ऐसे कुछ चीजें हम रट भी सकते हैं। अगर मान लो आपको हर चीज का कंसेप्ट नहीं भी समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा ईवी, बात खत्म वहीं पे खत्म। ठीक है, ओके क्यों ही हर चीज में घुसना है, इतना इतना डीपली भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पोल में आंसर करेंगे। 23 बच्चों ने वोट किया इस बार, और सभी बच्चे वोट करेंगे फटाफट से। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जितने ने आंसर किया, ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन समझाऊंगा फिर मैं। 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैं आपको 2 दे रहा हूँ। देखो बेटा, हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा और सिलेबस रह जाएगा, फिर आप बोलोगे सर आपने सिलेबस छुड़वा दिया, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। हुआ बेटा? यस सर, यस सर, तो क्या आंसर है इसका? कुछ नहीं हुआ, तुम सबने गलत कर दिया इसका आंसर। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, एक बात बताओ। देखो मोस्ट ऑफ द चीजें ना डायमेंशन से भी हो जाती हैं, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा। अब बताओ, फोर्स है 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 3 कूलाम्ब पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो यस सर, क्या? क्या 1000 वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, ये होता है, ये फॉर्मूला तो पता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ बाय क्यू यस किया, क्या है 3000 डिवाइडेड बाय 3, तो थ्री 1000 न्यूटन पर कूलाम्ब आ गया पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर मूव किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, 1000 न्यूटन कूलाम्ब का है, उसमें अगर आपने 1 सेंटीमीटर चार्ज को मूव किया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? क्यू इनटू डी इंटू ई डॉट इनटू डी आर, फॉर्मूला देखा करो अभी, फॉर्मूला इसलिए तो लिखवाए थे, ई इंटू डी आर। तो डी आर कितना है? चेंज इन पोजिशन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हाँ तो मल्टीप्लाई करो भाई, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर या ई डॉट डी आर, है ना। तो ई क्या है आपका 1000, और डी आर कितना है क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻²⁰ मीटर। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 10 वोल्ट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या करे जा रहे हो, टू यस फोर फाइव कुछ भी, सभी बच्चे इसको सही कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बैचेस को मैं ही पढ़ा रहा हूँ उनने किसी ने भी ये क्वेश्चन गलत नहीं किया। अब आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, है ना, आपकी तैयारी वीक चल रही है इसका मतलब। अभी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या सर, डिफरेंस था? मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो आपने लिखा कि नहीं लिखा? तो वो लगाना था ना यहाँ पे फॉर्मूला कि वी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डी आर दे रखा है, तो कैसे निकलेगा? ई डॉट डी आर से निकलेगा, करते तो हो जाता। ठीक है, अब करो क्वेश्चन नंबर 2 करो, बहुत आसान है। सब लोग वोट तो जरूर करो यार, वोट ही नहीं कर रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो निपटेगे नहीं क्वेश्चन। सर क्वेश्चन से डीमोटिवेट नहीं होना है हमें, क्वेश्चन देख के हमें डीमोटिवेट नहीं होना बेटा। एबीसीडी हो गई ना, रेक्टेंगल की साइड हाँ साइड गलत दी हुई।
कहाँ दिए साइड गलत? एबीसीडी में थी सर। स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर की साइड सारी बराबर होती हैं। सर बी के बाद सी आई ना। अरे उसको छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यस सर। ए बी सी डी छोड़ो। मैं ये तो ए बी सी डी लिखा है, मैं ऐसे कुछ लिख दूं, मान लो ये आपका बन गया, एक ये है, एक ऐसा कुछ है, एक ये है और एक ये, तब भी सही है ये। अब आपको ये भी नहीं पता ये लिखा क्या है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो केवल, अगर ऐसा ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ तो ये एग्जाम में गलती नहीं मानी जाएगी। इट इज अ राइट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन है ये। मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, जरूरी थोड़े 1 2 3 4 से ही आपको क्या बोलते हैं मैथ्स समझ में आएगा। इट इज अ डेसिमल सिस्टम। आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं मैथमेटिक्स में, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, सेप्टल हो गया, ये सारे डेसिमल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे ए बी सी डी है। दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके सबके राइटिंग स्क्रिप्ट अलग अलग हैं, तो द लॉजिक इज सेम, बट आप लॉजिक को समझ के आंसर करो। अब तक एक भी बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं दिया है, सब गलत। अरे पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालो सबसे पहले, पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालो, दोनों का पोटेंशियल उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो आपको समझ आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। तुम लोग पढ़ते नहीं हो ढंग से, समझ आ गया मुझे। पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालो। पॉइंट बी पे ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, अभी किए बेटा हमने क्वेश्चंस अभी किए जस्ट। पॉइंट बी पे दो चार्जेस कौन कौन से पॉइंट पे लोकेटेड है एक बार ये बताओ सब बच्चे। ए और डी ए और डी पे, और इन दो पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या मैं पॉइंट बी पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकता? यस सर। क्या यस फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से? के क्यू अपॉन आर। तो सर पोटेंशियल एट बी क्या आएगा, के इंटू क्यू वन। क्यू वन क्या है, 5 माइक्रो कूलाम है मान लो, अपॉन आर। आर कितनी दूरी पे है, ए पे, ठीक है। इसमें और ऐड करो, क्या ऐड करोगे, जो डी पे पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, के इंटू -2 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाय ए। तो ये पोटेंशियल एट बी आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट सी कैलकुलेट करो और मुझे वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये निकाला तो 2700 बाय a आया। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी देखो क्या आएगा। एम ही आएगा। 3 5 वही आएगा डिवाइडेड बाय सर। ए एम आएगा। प्लस के इनटू -2 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाय ए। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी बराबर है कि अलग अलग है? सेम है सर। सिमिलरली डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 0 0 0। तो इसमें क्या दिमाग लगाना था, ये कैलकुलेशन भी नहीं करना था। आपको दिख रहा है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, ये बी एंड सी की दूरी दोनों से बराबर है, तो पोटेंशियल सेम ही आएगा। 0 पे टिक करना था आधे सेकंड में। आपने क्या आंसर किया, डी आंसर कर दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाई इट कांट बी डिटरमाइंड भाई? आपको डिटरमाइंड का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए 27 पॉइंट कुछ कुछ, ये इसका मतलब आंसर है। नहीं, ये भी तो आंसर हो सकता है कि मान लो क्यू बाय अगर ए आ गया तो ये भी तो एक आंसर ही है। हाउ कैन यू से इट कैंट बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डेफिनेटली डिटरमाइंड। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है वो लोग पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, नहीं तो 11th तो गया, 12th भी चला जाएगा।
और फिर सपने भी चले जाएंगे, सिलेक्शन भी चला जाएगा, सारी उम्मीदें चली जाएंगी, फिर रोते रहना घर वालों के सामने कि ड्रॉप करा दो, मेरे दोस्त जो हैं वो अच्छे कॉलेज में गए, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे ड्रॉप करा दो, फिर आपके सामने वो चुनौतियां होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया कि नहीं आया बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 करो आप फटाफट, इसमें किसी ने भी गलती नहीं करनी है, ये बहुत आसान सवाल है। और वोट अब 16 बच्चे दे रहे हैं, यानी महान आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साधु लोगों थोड़ा आंसर कर लो बेटा, मैं अपने नहीं लिए बोल रहा, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मैं तो बहुत बार इनको पढ़ा भी चुका हूँ, तो आंसर करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना, पढ़ना है अपने लिए पढ़ना है। सब बच्चे आंसर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे बेटा। 29 वोट्स का होने चाहिए, अभी 14 बच्चों ने वोट किया है, 15 बच्चे और बचे हुए हैं, सब लोग वोट करो। देखो अगर यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे तो आप क्वेश्चन में भी, जब आपका एग्जाम होगा वहाँ भी आंसर आप नहीं कर पाओगे, दिस इज द बिटर ट्रूथ, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे बेटा, राइट? तो इससे अच्छा है कि अभी आंसर करो। ट्वेंटी थ्री बच्चों ने वोट किया, अभी भी सब लोग करेंगे, करो करो, 6 बच्चे और बच गए हैं, सब लोग करो बेटा। एक बार जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं अभी, हैंड रेज करना एक बार, लेट मी सी कि कितने बच्चे हैं। जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो जस्ट रेज योर हैंड, और इसको हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर ही रखो, लेट्स कैलकुलेट के कितने बच्चे हैं, ताकि फिर जो नहीं हैंड रेज कर रहे हैं, जो नहीं है क्लास में, उनकी कंप्लेंट मैं कर देता हूँ कि ये बच्चे क्लास में सिर्फ आते हैं और क्लास अटेंड एक्चुअल में करते नहीं हैं, राइट? करो सब लोग, 23 बच्चे हैं, राइट? ओके, बाकी सब लोग ऐसे ही ऑन करके चले गए हैं ना, उनको अच्छे से और कहीं पढ़ाई करनी है या नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, 24 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो आप सब लोग तो वोट कर ही रहे हो। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, शाबाश बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने वोट कर ही दिया है। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर ए, सब बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ए टिक किया है, जिनका ए नहीं आया वो सुनो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू आइसोलेटेड स्फीयर्स इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसका मतलब वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब क्या हुआ? वी वन इज इक्वल टू वी टू, दोनों स्फीयर्स के ऊपर पोटेंशियल क्या है? बराबर है। तो अगर मैं बोल दूं कि पहला स्फीयर है उस पे चार्ज Q1 है, ठीक है, K Q1 अपॉन
आर वन, और ये किसके बराबर है, के क्यू टू अपॉन आर टू के, तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्यू वन बाई क्यू टू की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से, स्मॉल क्यू ही लिख लेते हैं, क्यू वन बाई क्यू टू क्या आएगा, आर वन बाई आर टू आ जाएगा, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। अब ये क्या है, स्फीयर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और स्फीयर्स का फॉर्मूला यही होता है, तो आर वन बाई आर टू हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर बताओ, फोर को फटाफट से टिक करो सब बच्चे, मैं फोर क्वेश्चन नंबर फोर के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट से टिक करो, ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में बताया था आपको, देखो जल्दी जल्दी कितना जल्दी वोट कर सकते हो, करो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये आपको बताया था मैंने, सेवेंटीन वोट्स मिले हैं, ओ साधु टिक कर भाई, साधु लोग टिक करें प्लीज, वोट करो साधु लोग, ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन ए क्या होता है यार, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, आज ही बताया है, अभी बताया है क्लास में, क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री पर लैंड करेंगी, और पिछले बार जब हम फ्लक्स का क्वेश्चन कर रहे थे तब उस क्वेश्चन में बताया था, है ना, तो दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको फटाफट करो और फिर आंसर सुनो और फिर दफा हो जाओ, फिर चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन समझाऊं, टू इंसुलेटिंग प्लेट्स आर बोथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन सच ए वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा 20 वोल्ट, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट का। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस एंड कैन बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइटली लार्ज। तो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जनरेट होता है, कौन सा फील्ड जनरेट होता है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ना, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट्स विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं, ठीक है, इतना जल्दी भूल जाओ, तुम एक काम करो भूल जाओ सब कुछ, ठीक है, तो इनफाइनाइट चार्ज, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर प्लेट ऑफ प्लेट वन, इनर पार्ट ऑफ प्लेट वन जो है, प्लेट वन के इनर पार्ट से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रेस्ट पे था और यहाँ इनर पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है, और मूव करता है आपका प्लेट टू के इनर पार्ट पे,
तो जब ये प्लेट टू के इनर पार्ट पे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आज ही किया है हमने, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आज ही किया है। ऑप्शन सी जो है इसमें पावर सिक्स आएगा। इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा बेटा? अच्छा, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? वर्क डन के। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? ईवी ई इनटू वी। यस सर, है ना, क्यू इनटू वी होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा ईवी, तो ई इनटू वी विल बी इक्वल टू हाफ हाफ एमवी स्क्वायर। आज ही किया, अभी किया है, सेम क्वेश्चन है, बदलो, करो करो, सेम ही क्वेश्चन है ये, दोबारा कर लेंगे। हेलो सर, आ गया आंसर सब, मैंने याद गलत तक कर दिया। आ गया आंसर? यस सर। कौन सा आया, क्या आया? ऑप्शन 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 सी आ गया। Yes, yes, sir. Yes, sir. So, C is the right answer. देखो बेटा कैसे करेंगे, चार जोन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा, वोल्टेज की जगह पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए रखा क्योंकि इनिशियली जो था आपका इलेक्ट्रॉन वो रेस्ट पे था, और रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। जीरो, तो हमने यहाँ पे राइट साइड में एनर्जी डिफरेंस ही लिखा है बेसिकली, क्योंकि जीरो था तो जीरो से बढ़ के हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो डिफरेंस भी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, इसलिए हमने वी की जगह हमने क्या रख दिया? 20 वोल्ट रख दिया, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब वी स्क्वायर यहाँ से वी आप कैलकुलेट करो, तो जब वी कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब देखो इसको एस्टिमेट करेंगे बेटा, एस्टिमेट करने का तरीका क्या है कि देखो नीचे पावर माइनस 31, ऊपर पावर कितनी? माइनस 19, तो इनका डिफरेंस आएगा 10 टू द पावर 12, अंडर रूट के अंदर आएगा 12, ठीक है। और बाकी चीजों को आप एस्टिमेट करोगे तो वो आपका लगभग 2.65 के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना, कैलकुलेट करोगे 9.11 है ये, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन ना दूर दूर हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करे बिना ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको जो फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 2.65 आएगा आपका आंसर, और 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समझ आया? Yes, अब जिस बच्चे को इसमें डाउट है वो डाउट पूछो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, मैं आपको नोट्स, ये वाले नोट्स शेयर कर दूंगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके, और ये वाले नोट्स शेयर कर दूंगा, इनको पढ़ना, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के द्वारा फोर्सेस, ये सब हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब एक रिवीजन क्लास होगी तो रखेंगे एग्जाम से पहले, उसमें 10-15-20 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, ठीक है, पूरे चैप्टर से। ओके सर। तो इन सब के लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि मैंने एक जनरल चीज ऑब्जर्व करी है, इस बैच के अंदर आप लोग रिस्पॉन्स उतना अच्छे से करते नहीं हो, आप ना बहुत स्लो हो और लॉजिक भी बिल्डिंग आपकी बहुत वीक है, तो ये वीक सिर्फ इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अब आप ये मत बोलना कि सर मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर आप कर रहे होते तो बेटा वो दिख जाता है यहाँ पे, आप लोग नहीं पढ़ाई कर